हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्यार और दुआ की वजह से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज बृहस्पतिवार है और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अभी से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो मेरा ब्लॉग देखते उन्हें पता है कि मुझे कितना काम होता है, कि पूजा होता है। तो पूजा पाठ मेरा हो चुका है, बना रहे चाय। पहले चाय पी लेते हैं, फिर कुछ काम स्टार्ट करते हैं। टमाटर वाला था तो मैंने ले लिया था टमाटर, तो बहुत अच्छा टमाटर था। अभी देसी टमाटर निकला है, तो देसी टमाटर मुझे बहुत पसंद है। किसको किसको पसंद है कमेंट कीजिएगा। तो मैंने ले लिया था टमाटर यहाँ 3 किलो इसलिए ज़्यादा करके लिए थे क्योंकि ये भैया रोज़ आते नहीं हैं और इनका जो गांव का देसी टमाटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक साथ 3 किलो टमाटर ले लिया था। तो मैंने सब्जी काट लिया था, मेरा पूजा पाठ नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। तो आज बनाएंगे सूटी आलू बैंगन का सब्जी। और बृहस्पति को हम लोग ऐसे निरामिष खाते हैं, मीट मछली कुछ बनाएंगे नहीं। लेकिन बेटा के लिए एक अंडा मैंने उबाल के रख दिया था। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब फ्री होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करते जाइए, आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैंने सब्जी को धोधा के पानी दे के रखेंगे, क्योंकि बैंगन और आलू ऐसे काट के रखने से काला हो जाता है। तो आज बैंगन आलू और सूटी सिम दे के सूटी का सब्जी बनाएंगे और आलू फूलगोभी और गाजर दे के। अभी आलू और फूलगोभी का सब्जी खाली नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने गाजर भी लिया है। और गाजर खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो सबको पता है। और सब्जी में अभी फूलगोभी आलू का सब्जी में गाजर देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो इसका रेसिपी किसी को चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गाजर और आलू और फूलगोभी का सब्जी बनाएंगे और आज एक नया सब्जी बनाएंगे, नीम बैंगन। बहुत कोई खाते हैं नीम बैंगन और बहुत कोई नहीं भी खाते हैं क्योंकि ये कड़वा ज़्यादा होता है। तो नीम बैंगन का रेसिपी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग इस तरह से बनाते हैं, बहुत कोई बहुत कुछ ही कुछ अलग से भी बनाते हैं। तो मेरा दाल भात बन चुका था, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। बेटा जा चुका था एग्ज़ाम देने के लिए, बेटा का अभी एग्ज़ाम चल रहा है जैसे आप लोग को पता है, तो इस वजह से। और अभी मैंने सारा सब्जी काट कूट के धो लेंगे पहले बढ़िया से, फिर सब्जी चढ़ाएंगे। और ये जो नीम बैंगन बनाएंगे, तो बैंगन मैंने छोटा छोटा में काटा था। हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे बनाते हैं। तो बैंगन का भी मैंने बहुत अच्छा से धो लिया, इसमें मैंने नमक और हल्दी लगा के रखेंगे। हम लोग इस तरह से बनाते हैं। नमक हल्दी लगा के रखने से क्या होता है, बैंगन का अंदर नमक भी चला जाएगा और एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, नहीं तो बैंगन बहुत गलगला हो जाता है इसी वजह से। तो मैंने बैंगन का भी बहुत अच्छा से धोधा लिया था। और आगे का मेरा ब्लॉग आएगा बहुत इंटरेस्टिंग, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते जाइएगा। तो ये देखिए नीम का पत्ता जो है ताज़ा ताज़ा अभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और ये जो नीम का पत्ता अभी नया नया जो निकला है इसी पे नीम बैंगन बनता है। और अभी 10-15 दिन 1 महीना ही खाते फिर नहीं खाते। तो सारा पत्ता मैं आज नहीं धोऊंगी, आज जितना बनाएंगे उतना ही धो के रखेंगे। तो नीम बैंगन किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने टमाटर लिया था इसका चटनी बनाएंगे कुछ और कुछ रख देंगे। तो देख सकते इतना सुंदर टमाटर का कलर था, देसी टमाटर था। ये देखिए 3 किलो मैंने लिया था, वहाँ रखा हुआ था 2.5 किलो, यहाँ 1/2 किलो रखा हुआ था। फिर मैंने दोनों तरफ दो कढ़ाई चढ़ा दिया था, एक तरफ मैं चटनी चढ़ा दूँगी और एक तरफ नीम बैंगन। तो ये जो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था, मेरा बेटा को सुबह मैंने इडली भूंज के दिया था टिफ़िन में, उसी का तेल बचा हुआ था। तो आज सारा दिन में मेरा बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो मेरा ब्लॉग में देखे होंगे कि बृहस्पतिवार को मैं क्या क्या करती हूँ उनको पता है आगे वाला ब्लॉग। तो बृहस्पतिवार ऐसे ही बहुत बिजी डे होता है मेरे लिए। तो मैंने जो खाली कढ़ाई में नीम का पत्ता डाल दिया था, इधर टमाटर जो लाल लाल टमाटर मैंने कट के रखा था उसको डाल दिया था। उसमें मैं डाल दूंगी नमक हल्दी और ज़रा सा मिर्च पाउडर, फिर इसको ढक देंगे क्योंकि ये बहुत नरम है, 2 मिनट ढकने के बाद ही ये गल जाएगा। और मैंने डाल दिया था नमक। और मेरा होम टूर का वीडियो आई होप सो कल या परसों आ जाएगा, क्योंकि मैं एक होम टूर का वीडियो बनाई हूँ लेकिन अभी तक एडिटिंग नहीं किया हुआ है, कल या परसों आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरा होम टूर का वीडियो जब आएगा ज़रूर देखिएगा। तो अभी जो है नीम का पत्ता को मैं एकदम सूखा सूखा तरीका से भूंज लूँगी और भूंजने के बाद उससे हटा लूँगी, फिर मैं बैंगन को भूंजूँगी। तो नीम बैंगन बहुत कोई बहुत किसी तरह से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, मुझे उतना ज़्यादा बहुत पसंद नहीं है क्योंकि नीम बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन खाना चाहिए इसलिए मैं खाती हूँ, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार खा लेती हूँ क्योंकि नीम इस टाइम खाना बहुत अच्छा होता है, पर मुझे पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं एकदम गिल मतलब चिबाते नहीं, मुझे मुँह में ना लगे गिल लेती हूँ इसी वजह से।
तो इधर मेरा जो सब्जी काटा हुआ था धो धा के, तो बैंगन में मैंने नमक हल्दी लगा चुकी थी, तो आप देख सकते इस तरह से मैंने नीम को भूंज के हटा लिया था। फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला और जो बैंगन और नमक हल्दी लगा के रखा था बैंगन में, नमक और हल्दी उसको दे देंगे। तो बैंगन को बहुत अच्छा से भूंज लेंगे लाल लाल करके, और नीम का पत्ता को हाथ से मैं एकदम पेस्ट बना लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। कोई कोई बड़ा बड़ा बैंगन का भी, आलू का भी, नीम आलू भी बनाता है, नीम आलू भी अच्छा लगता है। तो एक दिन मैं नीम आलू जब बनाऊंगी तभी मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इस तरह से आज मेरा खाना बन रहा है, और गर्मी हल्का हल्का आ चुका है, हल्का ठंडा भी है, सुबह सुबह ठंडा लग रहा है, दिन में गर्मी लग रहा। तो ये टमाटर का चटनी मेरा हो चुका है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, फिर सूटी का सब्जी चढ़ाएंगे, और पहले दाल को छोका लगा लेंगे फिर। तो ये टमाटर मेरा पूरा बहुत अच्छा से गल गया था, और आज मेरा फुल डे का ब्लॉग मैंने बनाया था, क्योंकि सुबह से एकदम सुबह से नहीं बनाया था, बेटा को जब स्कूल भेज दिए, नहा धो लिए, पूजा पाठ किए, तब से बना रहे, क्योंकि एकदम सुबह सुबह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाए। काम हो जाता है, और अभी दिन बहुत बड़ा हुआ है, इसका वजह से थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, और ठंडा का टाइम में तो मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता था। और मैंने आगे वाला ब्लॉग में आप लोग को दिखा दिया था कि सेकंड वाला रूम को मैंने कैसे सजाया था, और उसका भी सारा ठंडा का कपड़ा मैंने निकाल लिया था, अब दीवान में घुसाना मेरा बाकी था। जो जिस दिन मैं कपड़ा सब तय करके रखूँगी उस दिन भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी ज़रूर। तो अभी कंटिन्यू ब्लॉग बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है, तो ब्लॉग को देखना ना भूलिएगा। तो सबको कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते जाइएगा। और ये जो चटनी खट्टा मीठा वाला चटनी है, यही मेरा घर वाला लोग पसंद करते हैं, और बहुत कोई अलग अलग भी चटनी बनाते हैं, लेकिन मेरा घर में सबको यही पसंद है। तो बैंगन मेरा बहुत अच्छा से हो चुका था, इसमें जो मैंने नीम का पत्ता को बोला है ना पेस्ट करके रखे हैं, उसको डाल देंगे खाली, तो हो जाएगा मेरा रेडी नीम बैंगन। तो मेरा चटनी और नीम बैंगन फ्राई फ्राई हो चुका है रेडी, और मैंने चटनी में चीनी भी डाल दिया। अब मैं बनाऊंगी सूटी का सब्जी। मैंने तेल डाला था, और तेल में 5 फोड़न और जो सब्जी था सीम आलू बैंगन और सूटी, इसको डाल देंगे। और इसको मैं आज अदरक और जीरा देके बनाऊंगी। आगे वाला दिन मैंने सरसों और पस्तू देके बनाया था, बहुत कोई देखे होंगे, लेकिन आज मैं पतला वाला बनाऊंगी झोल जैसा, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा खाते हैं इसीलिए। इसको नमक और हल्दी देके थोड़ा सा ढक देंगे। उसमें क्या होगा, इसका आलू जो है, आजकल नया नया आलू, कुछ कुछ आलू एकदम नहीं सीज रहा है, और नमक देके थोड़ा सा सिम करके ढक देने से क्या होगा, आलू सीज जाएगा। तो जो जो बर्तन में मैंने सब्जी काट के रखा था सबको धो के हटा लिया था, और इधर मैंने क्या चढ़ा दिया था, आपका आलू, आपका गाजर और फूलगोभी का सब्जी। मैंने कढ़ाई में तेल लिया और प्याज डाल के बनाया था। तो कुछ इस तरह का आज खाना पीना था, बहुत कुछ आज कुछ नहीं बनाया स्पेशल वाला, बृहस्पतिवार ऐसे हल्का फुल्का बनाए हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रेसिपी सब, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट, शेयर और लाइक तीनों कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोग का सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल आगे कैसे जाएगा, आप लोग का सब्सक्राइब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखा रहा हूँ, कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल प्याज, और ये मैंने डायरेक्ट वो दिखाया था, तो आप लोग को शायद समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ब्लॉग को थोड़ा सा पीछे लेके गया। और देख लीजिए मैंने इस तरह से ये सब्जी बनाया था। अभी आलू फूल को भी किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, तो तुरंत ये आलू फूल को भी मैं गाजर डाल के बनाएगा, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। इसका भुंजा भुंजा भी एक सब्जी हम बनाते हैं, जो बिना पानी का होता है, रोटी और पराठा का साथ, वो वाला सब्जी जिस दिन बनाएंगे आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। और बैंगन का रेसिपी मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बेटी ने बोला था कि बैंगन और सरसों का जो रेसिपी मैं आगे दिखाया था उसके लिए, तो मैंने उसको अभी नहीं शेयर करी। उसका कारण है क्योंकि छोटा छोटा गोल गोल बैंगन अभी आ नहीं रहा, इसी वजह से। तो ये डाटा का सब्जी हो चुका, उसमें मैंने पानी डाल दिया था। तो जैसे ही मुझे उस टाइप का बैंगन मिलता है, मैं बैंगन और सरसों वाला रेसिपी ज़रूर एक बार आप लोग के साथ शेयर करेंगे और दिखाएँगे। तो अभी तक मिल नहीं रहा, क्योंकि वो गर्मी में ज़्यादा मिलता है। तो ये दोनों सब्जी आप जैसे सूखा वाला बोले ना, इस टाइप में इसको हटा लेना और इसमें कुछ नहीं डालना है। लेकिन आज मैं तरी वाला बनाऊंगी, इसीलिए इसमें मैंने जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर डाला था, और नमक और हल्दी और टमाटर ज़्यादा करके, क्योंकि टमाटर मैंने ज़्यादा लिया था और टमाटर वाला सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी।
आप देख सकते हैं मेरा सब्जी दोनों बन चुका है। ये भी ये इसको थोड़ा सा झोल झोल रखेंगे तो मेरा दोनों सब्जी बन चुका है, आप देख सकते हो। और सब्जी बन जाने के बाद बेटा स्कूल से आ चुका है और बेटा का आज ट्यूशन शाम को है, अभी नहीं है, उसका एग्ज़ाम दे के वो आ गया था। तो अभी वो क्या कर रहा है आपको दिखाते हैं। आने के बाद ही कपड़ा छोड़ने के बाद उसका मस्ती जो है शुरू हो जाता है। तो ये दाल बना, ये डाटा का सब्जी, ये फूल गोभी आलू का सब्जी, नीम बैंगन और चटनी, तो आज का यही सिंपल सा खाना है। और ये देखिए स्कूल से आने के बाद एक बकरी मेरा घर के सामने आया था, उसको लेके इसका मस्ती चल रहा था। अब इसको नहलाना है, तो पूजा पाठ मेरा घर में सब कुछ हो चुका था, तो उसको नहा धुला के मैंने खिला के सुला दिया था। अभी शाम का वक्त था, मैंने संजबत्ती दिखा दिया और संजबत्ती दिखाने के बाद गोपाल का करती हूँ मैं फिर से एक बार आप लोग को दर्शन। आज मेरा गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने नया और एक अच्छा वाला मुकुट पहना दिया और ये मेरा और एक बच्चा है यहाँ बैठा हुआ है। अभी बिस्तर पर बिल्कुल नहीं बैठता क्योंकि इसको गर्मी लगता है, इसी वजह से बिस्तर पे बैठने से और ज़्यादा गर्मी लगता। और मेरा और एक नया फ्रेंड मिल गया, चलिए उसे मिलाते हैं आप लोग को। इसका नाम है फड़िंग। फड़िंग मतलब होता है आपका तितली। तो इसका नाम मैंने फड़िंग रखा है। ये रोज़ मेरा घर में तीनों टाइम खाना खाते हैं। जैसे मेरा आवाज़ हम लोग का किसी का भी आवाज़ सुनता है तो ये तुरंत दौड़ के आता है। तो फड़िंग से मिल के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो अभी रात का वक्त है तो दिन का जो जो खाना बना था बचा था उसको मैंने निकाल लिया था, दाल बचा था और चटनी और दो किस्म का सब्जी थोड़ा थोड़ा बच गया था। अभी मुझे रोटी और भात बनाना था, तो मेरा रोटी भात बन चुका था, रोटी भी बन चुका था और बेटा ट्यूशन गया हुआ था। बेटा अभी तक ट्यूशन से आया नहीं है। तो इधर देखिए मेरा रोटी मैंने बना के रख दिया और भात भी बन चुका था। मैंने दूध आ चुका था, दूध अभी तक मैंने गर्म नहीं किया और भात मुझे मतलब उसका मार जो है उसको निकाला था, तो रोटी भी बन चुका था। फिर बेटा जैसे आया, फड़िंग को देखिए फिर से, तो बेटा जैसे आया उसको मैंने पढ़ाने बैठा दिया था। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम लोग मिलते कुछ अच्छा।